वज़ीर-आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच, बताइएगा क्या तफ़सीलात हैं। जी, वज़ीर-आला पंजाब मरियम नवाज ने आज वैलेंशिया टाउन लाहौर में उस साइट का दौरा किया जहाँ पे ये हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया गया है, और इसमें मरियम नवाज का ये कहना है कि ये पंजाब का पहला कैंसर अस्पताल होगा जहाँ पर मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा, और यहाँ पर एक होटल भी बनाया जाएगा जहाँ पर मरीजों की तीमारदारी के लिए आने वाले जो उनके लवाहिकीन हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो ठहर सकेंगे। और आज इस साइट का बाकायदा जायजा लिया गया है, और मरियम नवाज के साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर थे और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के अलावा साबिक सेंटर परवेज रशीद और दीगर जो है वो अफसरान जो है वो मौजूद थे, और उन्होंने साइट का जायजा लिया है। और मरियम नवाज का ये कहना है कि इस हॉस्पिटल में जो है वो अद्वियात भी फ्री होंगी, इलाज भी फ्री होगा, और मरियम नवाज ने मुतलका अफसरान को यह हिदायत की है कि दुनिया के बेहतरीन जो कैंसर के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ रابطہ किया जाए, और मशीनरी के हवाले से जो फिजिबिलिटी है जो इस हॉस्पिटल में लाई जाएगी उसकी। वज़ीर-आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान कर दिया है। सईद बलोच अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।